नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे संतरे का जैम। इस टाइम संतरों का सीजन है, आप ऐसे जैम बना के और सालों तक रख सकते हैं और उसको खा सकते हैं। उसको रोटी से, ब्रेड से, जैसे मन चाहे वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस संतरों को क्या करेंगे, ऐसे छील लेंगे। छीलने के बाद ये सारा इसका जो सफ़ेद वाला पार्ट है इसको हटा लेंगे। ये देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसका हटा लिया है। अब इसको ऐसे खोल के और ये अंदर वाला ये लाइन भी ऐसे हटा लेंगे और इसको इस तरह कट करके ऐसे, और इसके अंदर जो ये बीज है इसको हम बाहर निकालेंगे। इसमें ज़्यादा बीज नहीं है, इसी तरह हम सारा छील के बीज निकाल के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने सारा निकाल के तैयार कर लिया है और ये वज़न में लगभग 300 ग्राम से कम ही होंगे, 250 ग्राम होंगे, क्योंकि आधा केजी जो है संतरे थे। और इतना हम इसको बचा लेंगे और इस छिलका, और ये छिलका ऐसे अंदर से साफ करके ऐसे से, और इसका वाइट पार्ट अलग कर देंगे और इसको हम कट करके फिर इसको जैम में यूज़ करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको ऐसे साफ़ कर लिया, इसका वाइट वाला पार्ट। अब ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करिए और इसको ऐसे महीन महीन कट कर दीजिए। ऐसे कट, मैं कट कर लेती, जितना आपसे महीन हो सके, पतला पतला, उतना पतला पतला आप ऐसे कट करिएगा। मैंने इतना कट करके रख लिया है। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। इसको हम मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे या फिर इसको आप ग्राइंडर से ग्राइंड कर लीजिए, नहीं कुछ हो तो ऐसे बेलन से मैश कर सकते हैं गिलास में रख के। ये देखिए फ्रेंड, इतना पीसने के बाद इतना हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम किसी बर्तन से एक नापेंगे। अब मेरे पास ये कटोरी है, इसी कटोरी से नाप रही हूँ कितना ये पल्प है। एक कटोरी और ये लगभग सवा कटोरी है, तो जितना ये है उतनी हम इसमें चीनी डालेंगे। ये देखिए, एक कटोरी और ये थोड़ी सी, और थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार, थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं, सवा कटोरी। अब इसको गैस पे रख के हम पकाएंगे। इसको लगातार चलाते हुए ऐसे हम पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये पकना उबलना स्टार्ट हो गया है। अब इसको हम कम से कम 5 से 10 मिनट तक, इसको जब तक ये ठीक ना हो जाए तब तक इसको पकाएंगे। अब इसी टाइम डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर नहीं भी रहेगा तब भी सही रहेगा, लेकिन फूड कलर से कलर बहुत अच्छा आएगा। बहुत ज़रा सा डालेंगे, उतने से परफेक्ट बनेगा। अब इसी टाइम पर डाल देंगे ये ऑरेंज का जो है छिलका, इतना काफ़ी है, थोड़ा सा बस मैं इतना बचाई हूँ, ज़्यादा नहीं बचाई हूँ। ये देखिए, अब ऐसे जब दिखने लगेगा तब इसको हम ऐसे देखिए गिराने पे ऐसे दिखाई दे रहा है। अब ये लगभग पक चुका है, ज़्यादा जो है हम पका देंगे तो बहुत ज़्यादा जम जाएगा, इसलिए हम इतना ही इसको पकाएंगे। एक बार इसका टेस्ट कर, ऐसे प्लेट लेंगे उसमें इसको ऐसे रखेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अभी देखिए ऐसे ये गिर रहा है ना, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो सेट हो जाएगा, गिरेगा नहीं। अब ये देखिए, इस थोड़ा गैस मैंने लो कर दी है और इसको चेक करते हैं। देखिए अब ये उतना तेज़ी से नहीं गिर रहा है, हमें ऐसा ही चाहिए। या फिर इसका चेक करने का दूसरा तरीका भी एक है, ऐसे तार नहीं बने, बस हल्का हल्का तार बन रहा है। देखिए हल्का, बहुत हल्का, ऐसे बस इसको हम गैस ऑफ कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए इस ठीक हो गया है। मम्मी मेरे को भी चेक कराइए। ठीक है बेटा, दिए रही हूँ अभी।
ये देखिए फ्रेंड्स, इसको किसी भी कांच की बोतल में रख के ठंडा करके और आप सालों इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, रख के खा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं लगा के बाबू को टेस्ट करवाऊंगी इस पे। देखिए ठीक होता चला जा रहा है। बाबू लीजिए, खा के बताइए कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग गया, बहुत टेस्टी है। ओके। ये फिर देखिए फ्रेंड्स, मैं एक जैम की बोतल थी उसमें भर के रखी हूँ, थोड़ा सा भी बाकी और ठंडा होगा तो उसको भर के रख दूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा दिन आप रख के इसको खा सकते हैं, खिला सकते हैं बच्चों को। और वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स कि कैसा बना है। ओके बाय, बाय फ्रेंड्स, बाय, फिर मिलेंगे। थैंक फिर मिलेंगे। यू फॉर द वॉचिंग।